नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेहतरीन स्टॉक्स है, जो कि मल्टीबैगर स्टॉक्स है और जो कि यहां पर ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में हम लगातार यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि यहाँ पर जबरदस्त रूप से ब्रेकआउट दे रहा है, वो स्टॉक्स है सन फार्मा। लेकिन याद रहे, क्या ब्रेकआउट पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेकआउट पर आप ये स्टॉक्स बाय करें या ना करें। देखिए, यहाँ पर हम बात करें सन फार्मा का, तो ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, मतलब वो ऐसी कंपनियां जो कि अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये कंपनियां बिल्कुल अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर इस स्टॉक्स को बाय करना था तो हम यहीं पर बाय करते जो रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि जो ब्लू चिप कंपनी है उसे गिरावट में बाय करना हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता, वहां से हमें ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलता। अगर देखिए यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बाय करते हैं ये जो कैंडल बना, तो यहाँ से ये स्टॉक्स यहाँ पर 10% अप्रोक्स मूव कर चुका है। अब देखिए, आप यहाँ पर ब्रेकआउट बाय करते हैं, मतलब 10% ऊपर बाय करते हैं, तो यहाँ पर कब बाय करना चाहिए था आपको, रिवर्सल पे ही मुख्य रूप से बाय। आप ब्रेकआउट पर कब बाय करेंगे, जब यहाँ पर यह रिटेस्ट करेगा। देखिए ये लेवल है, ये हो सकता है एक एग्जीक्यूशन कैंडल हो, मतलब जो क्लाइमेक्स कहते हैं ना हम मूवी का, वो इस रैली का क्लाइमेक्स भी हो सकता है। तो इसलिए हम ब्रेकआउट पर वैसे स्टॉक बाय करते हैं जो कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो करके यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। ये स्टॉक्स तो यहाँ गिरावट में आया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ऐसे ब्रेकआउट जो है यहाँ पर ज्यादातर फेल हो जाते हैं। अब देखिए, हम फेल होने की बात कर रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पर रिटेस्ट करके जो ऊपर जाए तो बाय कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, यह भी आपको बाय नहीं करना। अगर ये रिटेस्ट करके इसके ऊपर यहाँ साइडवेज हो जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब साइडवेज होकर के कहीं पर ब्रेकआउट देता है तब हम उसे बाय करते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लेकिन याद रहे कि ये जो रैली है और ये जो यहाँ पर तेजी है, ये वॉल्यूम से सपोर्टेड है, तो हो सकता है स्टॉक्स यहाँ से ऊपर भी चला जाए। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम जो ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हैं या ट्रेडिंग के हैं, उस पर काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हर तरह का हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक साइडवेज हो जाए या तो ऊपर चला जाए। देखिए, गिरावट की संभावना तो अभी खास है नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल है जिसको हम मोरोवॉज कैंडल भी कहते हैं। अभी यहाँ पर गिरावट की उतनी संभावना नहीं है, यहाँ पर या तो हो सकता है साइडवेज हो जाए, अगर साइडवेज हो गया तो फिर आप इन्वेस्ट किए तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर तेजी होता है थोड़ा बहुत तेजी भी हो सकता है। अब देखिए दूसरी बात है, अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 870 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा, 892 के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, तो देखिए 20 रुपीज एवं का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब फिर बात करें टारगेट का, तो टारगेट यहाँ से कितना रखेंगे, टारगेट देखिए बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ा है और ये जो डिप्थ है हम इसी को टारगेट लेके चल सकते हैं। देखिए इस डिप्थ को हम मेजर करते हैं, ये डिप्थ यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिप्थ है, इतना ही हम टारगेट यहाँ से लेके चल सकते हैं ऊपर। तो देखिए ये टारगेट हमारा निकल के आता है कि ये 950 रुपीज तक जा सकता है। तो देखिए कुछ खास है नहीं, यहाँ 60 रुपीज ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर टारगेट है, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपको 20 रुपीज से एबव का है, तो 1:3 मतलब 1:3 ज्यादा से ज्यादा आपका यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1:5 से ज्यादा का मिले तब जाकर के, मतलब रिस्क हमारा 1 का हो तो प्रॉफिट 5 का या 5 से एबव का हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट पर, लेकिन हमारा सजेशन होगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस्ट हुए तब बाय करें तो ज्यादा बेटर है, तब यहाँ पर आपको लगभग 10% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। और सबसे ज्यादा बेटर होगा ऐसे स्टॉक्स हम बताते रहते हैं जब गिरावट में मिलना होता है, तो गिरावट में जैसे रिवर्सल होता है, देखिए गिरावट हुआ फिर से यहाँ पर देखिए अगर रिवर्सल दिखाने लगा तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप किस में बाय करना पसंद करते हैं, ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स को गिरावट में या रिटेस्ट करने पर, मतलब ब्रेकआउट हुआ या रिटेस्ट करेगा उसके बाद, या डायरेक्ट ब्रेकआउट पर बाय करना प्रीफर करते हैं। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।